ये अमजद खुद क्या करते हैं? ये मस मल्टी जो ऑफिस है, दफ्तर है, पक्की नौकरी है इनकी। ड्राइवर है ये सन अप्लाइज में। जिद के तौर पे उसकी अम्मी ने मुझे उठाया क्योंकि कुछ विरासत की जायदाद की वजह से। 15 तोला मेरे अब्बा ने हक खिला के मुझे सोना दिया। मेरी प्यारी सी लाड़ी सी बेटी हुआ करती थी जिस वक्त। शादी के दूसरे महीने में मुझे पहले चांटा मारा गया उसकी अम्मी के कहने पे। जब मैं क्वेटा आई, मेरे 2 बच्चे मिस करवा दिए गए। इसको बच्चे नहीं होते। बहुत गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बयान की गई क्योंकि मैं यहाँ पे पुलिस के पास भी गई हूँ, सरदारों के पास। बहुत गंदे लफ्जों में और गंदी नजरों से देखा जाता है। तो मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पे मदद मांगने आई हूँ बाजी से। मेरा चादर उतारा गया वहाँ पे। मेरे बेटे को मुझसे छीना गया। बेटे का खून देखे मेरे भाई अपने भाइयों के पास। भाई ने कहा मत जाओ। मैंने कहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है वहाँ पे। तलाक 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 अलग सुन सुन के इंसान पागल हो जाता है। उसकी अम्मी ने कहा उससे कि तलाक तो 2014 मेरा सब कुछ छीना गया। मेरा चादर उतारा सबके सामने कराची में। उसके भाई ने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माजिद मुस्तकी और आमिर मुस्तकीम की बात कर रही हूँ। आमिर मुस्तकीम जो जेल से रिहा कर दिया गया मेरे चीज़ों से। बाकी जो पैसे बचे माजिद ने दूसरा घर ले लिया किसी पता नहीं कौन से जगह पे। 2021 में तो उसकी माँ ने मुझसे कहा कि तुम दूसरे ताल्लुकात रखो, मेरे बेटे से पैसे मत मांगो। ये मेरी सांस है, मेरी चाची सांस, जिसने अपने शोहर को खुद कत्ल करवाया है। वो कत्ल नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे हरकत थे। उसने हरकत हमारे साथ भी करने की कोशिश की, तीनों बहुओं के साथ, और सब तलाक ही याफ्ता है वहाँ पे। 13 दिसंबर को उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं जॉब ढूंढ रही थी। अमजद मुस्तकीम ने, आपके हस्बैंड, वो आते हैं आपको तलाक दिया है, फिर भी आते हैं। नाजायज है, गलत है, इस्लाम से नहीं है। मेरे भाई जैसे भी मैं कल को कराची जाऊंगी मुझे इज्जत मिली, इनका क्या होगा, इसका क्या कसूर, इस छोटी का क्या कसूर है? मुझे सिर्फ इतना बता। जे मुझसे हजार सवाल पूछ थी, अम्मी हमारा क्या, मैं घर नहीं होगा, मैं क्या जवाब? कल को मुझे गोली मारेंगे, ये बात सच है, कत्ल कर देंगे, इनका क्या हो? जी, मेरा नाम एडवोकेट जलीला हैदर है और मैं बलूचिस्तान बार काउंसिल के साथ उनकी एक मेंबर हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ। अभी मुझसे जो है 20 मार्च को खातून नजमा में कोयटा में नहीं थी, मुझसे रابطہ किया कि मेरे शोहर ने मुझे जो है जहर देने की कोशिश की थी। एंड शी वाज एक्चुअली ब्रॉट टू हॉस्पिटल, BMC लेके गए इसको, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी, मैं कोयटा में नहीं थी। मैंने इनकी फैमिली को कहा कि पुलिस में FIR करें, चूंकि ज्यूरिस्डिक्शन बरूरी थाने की बनती थी। ये खातून उस हालत में भी, जब ये थोड़ी सी कॉन्शियस स्टेट में थी, ये पुलिस स्टेशन गई, वही रेड टेप प्रोसीजर, इसको इतना तंग किया कि बाद में ये केस जो है रेफर हुआ सरियाब थाने में। सरियाब में भी इसकी पहले FIR नहीं कट रही थी, अब जब FIR कटी तो वारंट्स जारी हुए। तो पुलिस तामीली SHO खर्चा पानी दो तो आपका तामी गिरफ्तारियाँ करते हैं, आपका काम करते हैं। अब ये खातून इतनी मजबूर है, जो ससुराल वाले हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और दौलतमंद लोग हैं, वो इसके पास एक रुपया नहीं है और हर जिस जगह जाती है शी फेस हैरेसमेंट। मैं तो हैरान हूँ कि IG पुलिस यहाँ पर पुलिस के लिए क्या काम कर रहे हैं। हम फेस में देखते हैं, औरतों के लिए ये बनाए तो वो बनाए। ये खातून अपनी 2 बच्चियों के साथ रुल रही है, अभी तक वारंट सर्व नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये खातून चुप के घूम रही है, क्योंकि जिन्होंने इनको जहर दिया था वो इसको कत्ल भी कर देंगे। इसकी मदर इन लॉ जो है वो कह रहे हैं हम आपको उठवा देंगे, मींस लाइक हर लाइफ इज टू वल्नरेबल। कल ये इसकी लाश मिलेगी तो सारे लोग रोना धोना शुरू कर देंगे कि यस ये नाइंसाफी हुई तो वो हुई। तो वाई पुलिस इज नॉट टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन? इसकी लाइफ सिक्योरिटी सब कुछ थ्रेट में है, शी इज अंडर अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन। बाकी नजमा अपने बारे में खुद बताएगी, और I really feel disappointed from our police, especially IG police, और उनके जो अमला कारकर्दगी है, they're so disappointed. मेरा नाम नजमा है, मैं कराची में रहती हूँ, कराची में रहती थी। 2011 में मेरी शादी हुई थी मेरे चाचा के बेटे से, उस चाचा के बेटे से जिस चाचा को मेरे कोयटा में, बलूचिस्तान के शहर कोयटा में कत्ल कर दिया गया था 2001 में। आज तक कुछ नहीं पता चला कि रीज़न क्या था, सिर्फ इतना पता चला था कि गैरत के नाम पे।
उसके कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई। 15 दिन के अंदर मेरे चाचा के बेटे से, जो मुझे पसंद करते थे भी, ज़िद के तौर पे उसकी अम्मी ने मुझे उठाया, क्योंकि कोई विरासत की जायदाद की वजह से। 15-16 मेरे अब्बा ने हक लाल के मुझे सोना दिया। उनकी मेरी प्यारी सी लाडली सी बेटी हुआ करती थी। जिस वक्त हम 6 बहनें हैं, 3 भाई, 9 टोटल मिलाकर होते हैं। 9 लाख का जायज दिया मेरी अम्मी ने मेरी ज़िद के थ्रू, बहुत कुछ दिया मुझे। शादी के 2 महीने में मुझे पहले चांटा मारा गया उसकी अम्मी के कहने पे। जब मैं कोयटा आई, मेरे 2 बच्चे मिस करवा दिए गए कि इसको बच्चे नहीं होते। बहुत गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बयान की गई। हम लोग कभी किसी के साथ रहे नहीं, सेपरेट रहे थे। पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंगल हूँ, मैं मैंगल बिलोंग हूँ। फिर शादी हुई, कभी मैंने अपनी अम्मी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कि मेरे साथ ये तशद्दुद होते हैं। वो भाई आता है गाली देता है, जबकि मैं चाचा की बेटी हूँ। सब कुछ छीना गया उससे, 15-16 सोना जब मैंने बेच के अपने बच्चों को पालना चाहा। तलाक के नाम पे ऐसे मेरा मजाक उड़ाया गया कि कोई मजाक निवाला है। तो ये हुआ, मैंने अपना सोना बेच के बैंक में रखा, वहाँ से निकलवा के मैं अपने घर मैंने बनवाया। वो घर उसके भाई के लिए बेचा गया। वो भाई उसका, जो 2018 में रेलवे स्टेशन पे कोई हादसा हुआ था, डकैती हुई थी 7 करोड़ रुपए की यहाँ कोयटा में, उसको जेल से निकलवाने को, उधर जेल से निकलवाने के लिए मैं बाकायदे सच अल्फाजों में, शायद मेरा कत्ल भी हो जाए इन अल्फाजों के तहत। मैं ये अपने अल्फाज अपने होश आवाज़ में बयान कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पुलिस के पास भी गई हूँ, सरदारों के पास। बहुत गंदे अल्फाजों में और गंदी नज़रों से देखा जाता है। तो मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ बाजी से। तो उसके भाई को निकाला गया 2018 से 2025 में उसकी रिहाई थी, उद्धर जेल से उसे निकाला गया, मेरा घर बेचा गया। वो जब वो आया तो वो और उसका भाई मानी ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। मेरा चादर उतारा गया वहाँ पे, मेरे बेटे को मुझसे छीना गया। बेटे का खून देखे मेरे भाभी अपने भाइयों के पास, भाई ने कहा आप मर जाओ। मैंने कहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है वहाँ पे। तो अम्मी ने कहा तो तुमके अपना हो या मुझे, मैंने अपने शोहर को अपनाया, वफादारी की। तलाक 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 लफ्ज़ सुन सुन के इंसान पागल हो जाता है। उसकी अम्मी ने कहा उससे कि तलाक तो 2014 मेरा सब कुछ छीना गया। ये 2012 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई माँ से, जो बचपन से मुझे मार खा के देखती आ रही कि तुम आखिर आपने क्यों किया हमारे साथ इतना गलत, क्यों नहीं बताया अपने माँ बाप को। घर बनाना चाहा मैंने। जब मैंने अपना सोना मांगा तो उसके भाई ने मुझे निकाल दिया, मेरा चादर उतारा सबके सामने कराची में। उसके भाई ने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माजिद मुस्तकीम और आमिर मुस्तकीम की बात कर रही हूँ। आमिर मुस्तकीम जो उधर जेल से रिहा कर दिया गया मेरे चीज़ों से, बाकी जो पैसे बचे माजिद ने दूसरा घर ले लिया किसी पता नहीं कौन से जगह पे 7 लाख की। इसने मेरा क्या कसूर था, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया कि हमारा नस्ल पैदा हो गया, इसको फारिग करो। क्यों फारिग करो, वजह कभी मैंने उससे तेज़ आवाज़ में बात नहीं की थी अपने शोहर से। जेल में पकड़ा गया, नशाखोर बन गया, कुछ भी किया उस अपने बच्चों के लिए मजबूरी में, इसलिए कि उसकी माँ ने उसको मेरी वजह से निकाल दिया। जब मैं कोयटा शिफ्ट हुई यहाँ पे 2021 में, तो उसकी माँ ने मुझसे कहा कि तुम दूसरे ताल्लुकात रखो, मेरे बेटे से पैसे मत मांगो। मैंने इनकार कर दिया, तो मेरी सजा ये थी कि मुझे तलाक दोबारा दे दिया गया। मजाक बना के रखा है, जब भी मैं अपने सोना मांगती हूँ, अपने बाप का अपना अकेला गजेज मांगती हूँ, मेरे जॉब्स की है, बहुत कुछ किया अपने शोहर के लिए, लेकिन उसने मुझे इज्जत नहीं दी। वफादारी की हद हो गई, मेरे खानदान छोड़ा, खून छोड़ा, विरासत छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। आज मेरी बेटियों का नंबर आया, कल ये जवान होगी, हमें छत नहीं है रहने के लिए, और वो लोग 90-90 लाख का घर लेते बैठ जाते। अपने बेटे को पकड़वाया मैंने, सबसे हाथ जुड़े 2 लाख अलग निकाले, दूसरों के हाथ पहुँचे, 2 मरतबा जेल से मैंने निकलवाया। सिला क्या मिला मुझे, बेगम जिस लड़के से बात होती है सलाम दुआ हो या कुछ, तुम्हारा फिलानी है, तुम्हारा यार है, ये बेटी तुम्हारी नहीं है, ये अमजीत के बच्चे नहीं है, तुम अपने बाप से लेकर आई। ये कौन बोलता है? ये मेरी सांस है, मेरी चाची सांस, जिसने अपने शोहर को खुद कत्ल करवाया है। वो कत्ल नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे हरकत थे, उसने हरकत हमारे साथ भी करने की कोशिश की, 3 बहुओं के साथ, और सब तलाक ही याफ्ता है वहाँ पे। सच ये है, उनका कसूर ये है कि वो अपने शोहर से प्यार करती हैं,
वफादारी अपना घर बसाना चाहती है। और उसकी अम्मी का कहना है कि बस मेरे बेटे मेरे हैं, गुलाम बनाओ, कुत्ते की इज्जत दो। मेरा सब कुछ छीन लिया, आज मैं कोई टाइम 2 साल से 2 महीने उसके घर में हूँ, 1 महीना उसके घर में हूँ, एडवांस नहीं देता, एडवांस देता है किराया नहीं देता, अगर कोई आता है कहते तुम जाके दरवाजे पे देखो मकान मालिक को वगैरह वगैरह। 13 दिसंबर को उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं जॉब ढूंढ रही थी। अमजद मुस्तकीम ने, आपके हस्बैंड, वो आते हैं आपको तलाक दिया है, फिर भी आते हैं, नाजायज़ है, गलत है, इस्लाम से नहीं है, पढ़ी लिखी मुझे सब कुछ पता है। हाथ थोड़ा मैंने केस करना चाहा तो मेरे भाई कज़न ने बोला कि नहीं तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम्हारी बेटियाँ हैं, तो ये बात है, दोबारा मैंने कंप्रोमाइज़ किया, ठीक है। 20 मार्च को ये हादसा हुआ मेरे साथ, बुरमा होटल में जा रही थी, उसके भाई बुरमा होटल के पास जो बाजार है मैं वहाँ पर जा रही थी कुछ चीज़ें लेके अपने दोस्त के साथ। वो तो बेचारी ने कोयटा भी छोड़ दिया खौफ के मारे कि हम लोग इज्जत ही लोग हैं। उसके भाई ने कहा तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें अपनी इज्जत रास है कि नहीं, निकल जाओ यहाँ से। ये सुना मैंने, फिर उसके बाप को बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, कोई मुझे कुछ भी बोल देता है, चादर उतार दे मारे पीटे। उसकी माँ मुझे बहुत मारती थी अपने घर में, इल्ज़ाम लगाती थी कि मैं अपना पेट पारूंगी, बरूरी तना जाऊँगी, तुम्हारा नाम लूँगी, हम तुम्हारा सोना नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बेटा भी छीन लिया मुझसे। शौहर आता है फिर बोलता है मैंने तलाक नहीं दी है तुम्हें, मेरे भाइयों ने अपने आप को मारने की कोशिश की, मेरी माँ ने, इसलिए मैंने पेपर पर साइन किया। मैंने कहा नाजायज़, आप पेपर मुझे दो, बात ख़त्म कर दो, मेरे अब्बा की जो हक किला की चीज़ें मेरा मेरे वो दे दो, मैं चली जाती हूँ, ये गलत बात। मैंने जब भी मैं हक मांगती हूँ अपने अब्बा की तो मुझे मारता है। उसकी अम्मी कहते मार डालो इसे। ये 20 मार्च को क्या हुआ था? 20 मार्च को हम लोग देर से आए थे, अपनी दोस्त से मैंने पैसे लिए, उसने सैलरी अपनी ली हुई थी, तो मैंने उससे पहले कहा कि पहले ना हम लोग किराया देते उसके बाद थोड़ा सा राशन डलवाते, लेकिन उसने कुछ पैसे पहले अपने दूसरी चीज़ों के लिए लिए, जो मैं अल्फाजों में बयान करूँगी शायद उसकी हद से ज़्यादा आना को टेस्ट पहुँचे, उसका ईगो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा मैंने वफादारी की है, बहन सर से ऊपर जा चुका है। इस बात को लेकर पैसे को लेकर लड़ाई हो गई। मैंने कहा राशन डलवाते, बच्चों की फीस है, मदरसा पढ़ रही थी उस वक्त, मैं भी हूँ, हमें भी कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, ईद है, रमज़ान है, हम लोग बाहर गए दोस्त से, मैंने वो 20,000 मैंने हाथ नहीं लगाया, अपनी दोस्त से मैंने 1,000 रुपये लिए, होटल गए, कुछ रोटियां हम लोग, वहाँ से आई रात 2:30 बजे से दरवाज़ा बंद कर दिया, जहाँ से आए हो तुम लोग वहीं से चले जाओ। मेरा कज़न मेरे साथ था उस वक्त, तो उसने अपने बाइक छोड़ा तो वो आया, वो हमें बाहर निकाल रहा था, उसने मेरे कपड़े फाड़े, ऐसी किसी बलोची जोड़ी मेरी कमीज़ और शलवार उठा ऐसी, उसने कहा डायरेक्ट ये बच्चे बाकर अपने चाचू को, मतलब उसको चाचू बोलते थे कज़न को, तो वहाँ पे गए तो ये एक जहर की बोतल होती वो जो मच्छर वगैरह डालने डाल में, उसने ऐसे लेके ऐसे पुश किया मेरे मुंह के अंदर। मैं कहते तुम मर जाओ हमारी जान, तुम मरोगी तब मेरी विरासत से मुझे जायदाद और सूफियान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यही रो रो के मैंने कहा तुम चाहते मैं मर जाऊँ आखिरी बे, हाँ मैंने ऐसे अपने मुँह से निकालने की कोशिश की। मेरी बड़ी बेटी माँ से बात, अम्मी क्या हुआ? मैंने कहा आपके कहे नहीं नहीं तुम्हारी माँ ने खुद जहर खाया है। फिर ये रो के बाहर निकली कज़न के लिए, जो मेरा ब्रादर है ना भाई है, वो आए, उसने कहा तुमने क्या किया? उसने फिर नमक लेके मेरे मुंह में डाला, वो गवाए मेरा नमक, मेरी रोटियाँ करनी शुरू कर, उसने कहते अच्छा है मरने दो इसको। फिर कज़न ने आवाज मर जाएगी, इसके माँ बाप को क्या जवाब दोगे? फिर वो खौफ के मारे अपने आप को बचाने के लिए उसके सामने आया, मुझे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल लेने के जगह मेरी बेटियों को धमकी देते इसको हम लोग मार डालेंगे। मेरी माँ ने बोले इसकी कोई औकात नहीं, हम लोग इसको घर दे, मेरा सब कुछ छीन लिया और आज मैं बेघर हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी इज्जत का पास नहीं रखा, बिल्कुल भी पास नहीं रखा कि तुम इनसे प्यार करती हो सब कुछ है, तुम निकल जाओ। 2 मरतबा जेल सब कुछ हुआ। अभी तो हद ऐसी हो गई कि अस्पताल ने उसने कहा कि इसने खुद जहर खाया है, कतल था वो, उसको कतल का नाम दे, उसने मुझ पर अटैक किया तो कहीं मरता अपनी माँ के कहने। उसके भाई कहते इसको मार डालो। उसकी बहन मेरे जैस के कपड़े पहन रहे, मेरे बर्तन वहाँ पड़े हुए, मेरा सब कुछ फर्नीचर पड़े हुए, कहते कुछ भी नहीं है इसका, और आज मैं बेघर हूँ, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, 2 बेटियों को लेके मैं चुप रही हूँ। मेरी माँ बीमारी हालत में, शुगर की हालत में आके मेरे अब्बा को फाले मेरी वजह से, वो आगे कुछ 20,000 दे के जाती है एडवांस की, नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं अपना लेकर आऊँगी, चाहे कत्ल हो जाए कुछ भी हो, मैं अपनी बेटियों को घर लेकर आऊँगी। अमजद खुद क्या करते हैं? ये म्युनिसिपैलिटी जो ऑफिस है, दफ्तर है, पक्की नौकरी है इनकी, ड्राइवर है ये, सन अप्लाइज में
इनके पापा को जब कत्ल कर दिया गया, इनकी दूसरी भाई माजिद है वो भी सरकारी है, साजिद भी सरकारी, वो जो आमिर है कराची में वो डकैत है, उसको निकाल दिया गया मेरा सब कुछ बेच के। और वो जब आए 2025 में उसकी रिहाई थी, लेकिन वो दो साल बाद कैसे। अभी आप क्या चाहते हो? मुझे हक चाहिए, मुझे उस बंदे के साथ नहीं रहना। वो बार बार तलाक देते हैं, मजाक करते हैं, फिर आके माफ़ी मांगते हैं, अभी भी वो यही हरकतें हैं। अभी मैंने वारंट सब कुछ निकाले लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे चाहिए मेरा हक, मेरा घर, मेरा बेटा, नहीं है इन बच्चों का खर्चा चाहिए मुझे। मेरे जो बाप ने मुझे दिए जेब सोना सब कुछ, मुझे वो सब चाहिए। तो अभी जब आप पे अटेम्प्ट हुआ, पुलिस ने फायर काटी? मैं गई थी पुलिस के पास, मैंने पूरी रात वहाँ पे थी, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने रिपोर्ट लिखी, उसकी रिसीव नहीं दी गई। जर दो, जर दो, जर के क्या मतलब होते हैं हमें नहीं पता। हम इसलिए नहीं पता, हम लोग इस तरह के कभी सिचुएशन से गुजरे हैं। जर का पता चले पैसे खपत है, जिस औरत के पास 5 रुपये खाने के लिए नहीं है, उसकी बेटियाँ दो दो दिन भूखे रहते, उसके बाप को नहीं पता। अब सिर्फ बेटा चीन कर गए, इनको वारिस नहीं चाहिए, इनको इज्जत नहीं चाहिए। मेरे भाई जैसे भी, मैं कल को कराची जाऊंगी, मुझे इज्जत मिलेगी, इनका क्या होगा, इसका क्या कसूर, इस छोटी का क्या कसूर है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, जे मुझसे हजार सवाल पूछती है, अम्मी हमारा क्या, मैं घर नहीं होगा, मैं क्या जवाब, कल को मुझे गोली मारेंगे, ये बस सच है, कत्ल कर देंगे, इनका क्या होगा। मासी को लेते ही बड़ी वाली कहते ये अमजीत की बेटी नहीं है, मेरा टेस्ट करवाया जाए, मुझे मेरा हिसाब किताब पूरा चाहिए। नहीं उन्हीं के बेटे इस तरह गलत बातें करते। नहीं मेरे साथ का बोल रहा है, वो बड़ी मगरमच्छ है, लड़कियों को तबाह बर्बाद करती है सबको। जहर सास ने दिया या शोहर? नहीं ये शोहर ने दिया था अपनी माँ के कहने पे, और अभी उसका कहना है इसने ना खुद खाया है। मैंने 14 साल से इतनी जुल्म सगे, मैंने कभी भी कुछ भी कोई हरकत एक्शन नहीं लिया, तो मैं अभी क्यों हार मानूंगी। वहाँ पे मैंने 19,000 साथ में लेकर आई, 9 राशन लेकर आई, जॉब कर रही थी, पैसे आपके लिए भेज रही। क्या जॉब करती? मैं ऑलराउंडर जॉब करूँगा, आपके साथ भी मैं काम करूँगी, मैं सोशल वालों के साथ, पीपी वालों के भी साथ, 2 महीने पार्लर का काम, सिलाई का काम, सारे काम। क्योंकि इंसान जब मजबूर हो जाता है ना, गलत काम नहीं करना चाहता, अकेला कमाना चाहता है। तो अभी जो पुलिस है उसका क्या रिस्पॉन्स है? मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस का, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कानूनी भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे इज्जत का मामला है, हम लोग अपने बलोच है, हम लोग मैं मैंगलू अपनी जान दे दूंगी, इज्जत का सौदा नहीं, क्योंकि जिस मर्द के साथ बात करके तो इसके साथ गलत ताल्लुकात है इसके, ये फिलानी काम करती मर्द इसके साथ देखते हैं सब कुछ, वो काम नहीं होता। अगर मैं होती आज मैं गरीब घर में नहीं होती, खाने को मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं खाने के लिए, ईद है सबके बच्चे पहन रहे, मेरे बच्चे पर चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, उसके बाप को एहसास नहीं कि दो बेटियाँ हैं, सिर्फ बेटा ले लिया क्योंकि वो नजर है, क्यों लिया, मेरे ऑपरेशन हुए और 9 महीने बाजी में मार खाती रही हूँ हमेशा। बेटा भी कितने साल का? 10 साल का, 11 वा लगा है उसे। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा जहेज चाहिए, मेरा सोना चाहिए, मुझे मेरा जहेज चाहिए, मुझे मेरे इज्जत का तहफ़ और ताउन दोनों चाहिए। अगर वो मुझे कत्ल करते हैं तो नया माज बोलती हूँ, तो मेरे सिर्फ और गुनहगार यही है। मुझे इंसाफ चाहिए, इसकी माँ नसीम बीबी, इसके चारों भाई जो 4 भाई और इसकी बहनें भले जो शादीशुदा थी, सब ने मेरे साथ मेरे बाल पकड़ के मुझे निकाले, मेरे कपड़े पहने, मेरी चीज़ें चोरी, सब गुनहगार। आज मेरी सब बहनों की चाची चाचाओं के बेटों के साथ हूँ, सब सबके घर में लड़ाई होती है, मेरे साथ नाइंसाफ इसकी माँ ने करवाया। और इसकी माँ बाप तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमारा मुकाबला नहीं करना है मुझे, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ यहाँ पर, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। देखिए ये खातून बहुत वल्नरेबल पोजीशन में है, इसकी लाइफ को थ्रेट है एज फार एज आई अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने खुद ही इनको मशवरा दिया था, मैं खुद ऑन द स्पॉट नहीं थी जब इनको जहर दिया था, जो ही ये होश में आई थी शी ट्राइड टू कॉन्टेक्ट सम पीपल के हेल्प करे, तो किसी ने मुझे रेफ़र किया था इनका केस, बट मैं क्वेटा में नहीं थी। हाउएवर आई वाज फॉलोइंग अप कि इनके केस का क्या बना, इनका FIR हुआ, इनका शौहर या जिनको ये
एलिज्ड कर रहे केस में वो गिरफ्तार हुए, तो आज फिर इन्होंने फ़ोन किया और यही एक ताने से दूसरा ताना। अभी मुझे जब मैंने तामिली से बात की सरियाप ताने की, वो कहता है कि हमारी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये सदर में पड़ता है। जब ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, आप पहले बता दें आप क्यों लोगों के नाम वारंट्स निकलवाते हैं? फिर मतलब आप एक खातून को पहले बरूरी ताना गए, फिर सरियाब, अब आप ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हो। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ बलूचिस्तान पुलिस से। ये जो दावे होते हैं और जो रियलिटी है, यहाँ पर मैं खुद पुलिस स्टेशन गई, खातून की पिटाई हुई थी तो थानेदार ने कहा जान से तो नहीं मारा। सो दिस इज हाउ, अगर कोई कत्ल होता है तो थानेदार फिर कोई शायद एक्शन ले, वो भी खानापुरी के लिए। हाँ, बट आई फील सो सॉरी अगर इस औरत को पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उनके हस्बैंड को नहीं गिरफ्तार करेंगे, उनके इन-लॉज को। तो आई थिंक ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रोज़ाना इतनी औरतें मरती है, एक और का इजाफा होगा और फिर यही हमारे मर्द कहेंगे कि हाँ औरत का कसूर था। हमारे यहाँ यही पर्सपेक्टिव फिर बिल्ड होता है। तो शी इज़ जस्ट मजबूर होकर मीडिया पे आई है। इसके कंसेंट से मैंने पूछा, कहते मुझे मीडिया पे लाओ, आई वांट टू स्पीक अप। मैंने बड़ा कंसेंट इसका लिया, फिर जाके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इसके बाद हम तो बेबस हो गए हैं। हम ना कोर्ट्स हमारी सुनती है, कोई भी सिस्टम काम नहीं करा। सो काइंडली प्लीज़ इनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया जाए। इसको जिन जिन से ख़तरा है, एटलीस्ट रियासती श्योरिटी पे इसको सपोर्ट दी जाए। शी नीड्स प्रोटेक्शन। और ये भी पाकिस्तान की बेटी है, आई डोंट थिंक सो के और कौन होता है पाकिस्तान की बेटी, यही लोग है, यू नीड टू प्रोटेक्ट हर।